चलिए अब वक्त हो चला है स्टार प्लस के हाल ही में शुरू हुए शो क्या कसूर है अमला का की लेटेस्ट अपडेट देने का। जैसा कि आपने हाल ही में आए इसके प्रोमो में देखा तो होगा ही कि कैसे अमला की परजाई यानी मंदो करवाने वाली है अमला की शादी अबीर से। साथ ही अमला को इस बात तक को बताए बिना कि जिस लड़के से शादी होने वाली है अमला की, वो लड़का दरअसल वही है जिसने उसकी अस्मिता को लूटा होता है। इस बात से अनजान अमला शादी तो कर लेगी, लेकिन जैसे ही अमला अबीर को अपने दूल्हे के रूप में देखेगी, अमला के सामने वो दर्दनाक लम्हा एक बार फिर से घूमने लगेगा, जिस लम्हे ने अमला से उसका सब कुछ छीन लिया, जिसने उससे उसका प्यार देव छीन लिया, जिसने अमला से उसका वजूद उसकी इज्जत सब छीन ली, जिसने जीते जी अमला से उसकी जिंदगी ही छीन ली। तो अब जब अमला उसी चेहरे को एक बार फिर से देखेगी जिस चेहरे का बहुत बड़ा हाथ था अमला के आज और कल को बर्बाद करने में, तो अबीर को अपने पति के रूप में देखकर भला कैसे रह पाएगी अमला उसके साथ जिंदगी भर। इसके साथ ही अब आपको आगे की खबर दें तो अमला अब अबीर को अपना पति मानने से भी कर देगी साफ साफ इनकार। ये सोचकर कि अमला उस इंसान के साथ भला कैसे रह सकती है जिस इंसान की वजह से उसकी आज ये हालत हुई है, और क्योंकि अबीर को देखकर अमला को हर रोज हर घड़ी अपने साथ बीते हुए वो दर्दनाक रात याद आएगी, तो इसी वजह से अमला अबीर से की गई शादी को ना तो मानेगी और ना ही इस शादी और अबीर के रूप में अपने पति को कभी भी स्वीकारेगी। तो अब आखिर कैसे अमला और अबीर की कहानी बढ़ती है आगे, ये देखना होगा इस सीरियल के अंदर और भी ज़्यादा दिलचस्प। तो इस सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।